अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा समिति जो हमेशा ही गरीब बेसहारों का सहारा बनती है, हर साल का आगाज गरीबों को कंबल या लिहाफ वितरण करके उनको ठंड से बचाती आई है। उसी की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा समिति ने गरीबों को ठंड से बचाने के लिए कंबल वितरित किए और कोरोना महामारी को देखते हुए साथ ही साथ मास्क भी वितरित किए गए, जिससे कोरोना महामारी से बचा जा सके। इस खास मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा समिति के मंडल अध्यक्ष इफ्तिखार खान ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया। मैं इफ्तिखार खान, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा समिति का मंडल अध्यक्ष। पहले तो मैं अपने देशवासियों को अपनी पूरी टीम की तरफ से दिली मुबारकबाद नए वर्ष की देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल खुशियों का पैगाम लेकर आए, क्योंकि 2020 किसी के लिए भी अच्छा नहीं गुजरा। इस साल उम्मीद है ऊपर वाले से कि ये साल हमारे लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए, और बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको ये नया साल। हम हर साल कंबल वितरण, लिहाफ वितरण करते हैं, इस साल भी किया और हर साल की तरह इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे। आपके कंबल थोड़े कुछ कम थे, इसलिए हम ज़्यादा प्रोग्राम कई जगह से करते थे, एक ही जगह कर पाए और बाकी करते रहेंगे। हर कार्य में आपकी संस्था नंबर एक पर रहती है और कुछ दिन पहले अभी मास्क वितरण भी किए थे, तो क्या अपील करना चाहते हैं आप देशवासियों से? ये हमारे संस्था का जो हमारी टीम है उनको इसका श्रेय जाता है, और हमने 10 दिसंबर को मास्क वितरण किए। आज कंबल के साथ साथ हमने मास्क वितरण भी किया, क्योंकि कोविड का ज़माना है ये, थोड़ा सारा इसमें हमें दूरी बना के रखनी है और मास्क लगा के चलना है, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि कोरोना ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। मैं एक बार फिर अपने देशवासियों को अपनी टीम की तरफ से, मानव अधिकार इंजीनियर की टीम की तरफ से भी मुबारकबाद देता हूँ।